रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। अखुन साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लद्दाखियों आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जितने भी हाजरात यहाँ, जो इनके जो ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हम इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले। आप हमेशा ये रोकते हैं। आज देखे क्या हुआ, हमें हमें हवाला दे, आज हम देखे के रहो काम कर रहे हैं। इस वजह से आप चीज को कभी भी मानेंगे नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे। जब तक कोई निजाम बहाल नहीं हो, जब तक हमारा चार दिमाग ये बैठने वाले, क्योंकि आज एक ही स्टेज पे, एक ही मंच पे, यानी एक ही पहले बीजेपी के तमाम जितने स्टेक होल्डर है उसके अंदर मौजूद। आज के लिए वो जो हमारा एपेक्स बॉडी है, आज हम नहीं है। मेरा नाम ठिल्ले सम्मो है और हम हमारा मतलब हमारा मांगे पूरी करो, है ना। हमारा मांगे ये है कि लद्दाख 1/6 शेड्यूल सेपरेट एमपीस फॉर ले एंड कारगिल एंड सेपरेट मतलब वही एमपी जिससे मतलब लोगों के हर एक आवाज़ मतलब वहाँ लोकसभा में पहुँच सके। मेरा नाम कमर अली आखून है, मैं पोस्ट चेयरमैन करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के हूँ और नसीर कॉन्फ्रेंस का जो है बंदा हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर आवाज? बस मैं इतना कहूँगा कि हम लोग जो है आज जो प्रोटेस्ट हमारी है, वो हमारे चार मांग को लेके, चार डिमांड को, चार मुतालबात को लेके आज प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हमने फिक्स किया था। डेट 15 तारीख को जो है, 15 जनवरी को जो है, उसी के अंदर हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे जो चार मुतालबात है, फुल फ्लेज स्टेटहुड है, फिर 6 रूल है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आपका जो है सेपरेट है, सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ले एंड करगिल, और उसके अलावा जो है एली रिक्रूटमेंट है। ये चार पॉइंट्स को लेकर हम लोग जैसे जुलूस पहले भी करते आए और आज भी यहाँ जम्मू के अंदर, फिर आगे लास्ट वीक में जो हम दिल्ली में कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए मिशन स्टेटहुड 5 अगस्त 2019 के बाद ही ये जंग लड़ रहा था और कमर अली अखुन शाह के कदावर नेता लद्दाख के, ये हमारे पुराने मित्र हैं। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि आप जो यहाँ पे इनका प्रदर्शन ले रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इन्होंने बंटवारा कर दिया। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहूँगा, कमर अली अखुन साहब, ये इधर उधर की बात ना करो, ये तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा, ये काफिला अखुन साहब भारतीय जनता पार्टी ने लूटा और हमारी रियासत का बंटवारा कर दिया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। और आज हमें खुशी है कि मेरे लाख हजारों की तादाद में कमर अली अखुन साहब की कयादत में ये एक बहुत बड़े सबका मंत्री रहे हैं और मुझे हम ये जंग जीतेंगे, लद्दाख को रियासत का दर्जा, जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे रियासत का दर्जा, और हमारे जो ज़मीनों के हकूक़ हैं और जो हमारे नौकरियों के हकूक़ हैं, हम वो उसे पूरा करेंगे। और हमारी पूरा पूरा ताबुन करगिल अखुन साहब के साथ है और करगिल डेवलपमेंट केडीए के साथ है और आज एपेक्स बॉडी ले और एपेक्स वाड़ी के साथ भी है। और जैसा इनका भी प्रोग्राम होगा, हम तो जम्मू में बड़े पैमाने के ऊपर रियासत के दर्जे की जंग लड़ रहे हैं और हम वो दिन दूर नहीं है जब रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलेगा। और हाथ खड़े करके एक बार कह दीजिए कि रियासत का दर्जा वापिस दो।